नमस्कार मित्रों, शिक्षक की आप सब लोग देख सकते हैं आज 29 अप्रैल 2020 से बहुत बड़ी खबर दैनिक भास्कर में आई हुई है, एकदम ऑथेंटिक खबर है। ये देखिए, उच्च शिक्षा का सेशन अगस्त से शुरू करने की सिफारिश, छात्रों की ट्रेवल हिस्ट्री बनाई। UGC की सिफारिश, ऑनलाइन और ओपन बुक से होगी परीक्षा और प्रैक्टिकल। बड़ी 5 बड़ी सिफारिशें, सिलेबस का 25% कंटेंट ऑनलाइन पढ़ाएं और लैब क्लासेस वर्चुअल होगी। ऑनलाइन परीक्षा, ट्रेवल हिस्ट्री और तीसरी ऑनलाइन पढ़ाई, 4 परीक्षा समय। आप सब देख सकते हैं, ये आज 29 अप्रैल दैनिक भास्कर की बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ आई हुई है, बहुत बड़ी खबर। और देखिए, इसके अंदर बताया गया है COVID-19 के कारण शैक्षणिक सत्र की हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिश सौंप दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने सप्ताह में 6 दिन क्लास लगाने की सिफारिश भी की गई है। दाखिले की प्रक्रिया 1 अगस्त और 31 अगस्त तक चलेगी। सेकेंड एंड थर्ड ईयर की क्लास 1 अगस्त और नए सत्र की क्लास 1 सितंबर से शुरू होगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। उच्च शिक्षा और सेशन अगस्त से शुरू करने की सिफारिश, छात्रों की ट्रेवल हिस्ट्री बनेगी UGC की सिफारिश, जैसा कि आपने। और एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक ही परीक्षा से दाखिले देने की सिफारिश, यूनिवर्सिटी शुरू हो सकती है ग्रीन जोन में। हालांकि 30 अप्रैल के बाद ही UGC अपनी गाइडलाइंस जारी करेगी। नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से दूसरे सप्ताह में शुरू होने जाने की संभावनाएं हैं। UGC की अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय देश भर में संस्थानों को एक ही नई गाइडलाइन जारी करेगा। ये गाइडलाइन 30 अप्रैल के बाद जारी कर दी जाएगी और 30 अप्रैल के बाद UGC अपनी गाइडलाइंस जारी कर देगा। लेकिन अभी जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है वो तो यही कह रही है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।